तो फ्रेंड आप सबके लिए खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। तो फ्रेंड आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना खुश क्यों, तो फ्रेंड फ्लिपकार्ट जो है अपना डिलीवरी स्टार्ट कर दिया है उड़ीसा में। तो फ्रेंड आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नया बात कौन सा है, एसेंशियल प्रोडक्ट तो फ्लिपकार्ट कब से ही डिलीवरी कर रहा है उड़ीसा में। तो फ्रेंड मैं ये आप लोग को बोलना चाहता हूँ, फोन हो, इलेक्ट्रॉनिक हो और चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, सारे चीज़ को अब उड़ीसा में डिलीवर करेगा, कोई भी कैटेगरी का प्रोडक्ट आता है। तो फ्रेंड मैं ये बोलना चाहूंगा आप लोग को, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये फेक है, तो फ्रेंड मैं आप लोग को आज लाइव प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं, आप लोग अपने फ्लिपकार्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड और आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब मैं आप लोग को लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि उड़ीसा में सारे चीज़ का डिलीवरी स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड उससे पहले आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 12:29 हुआ है और देखिए फ्रेंड आज का डेट दिख रहा है यहाँ आपको, अप्रैल 17, और यहाँ पर फ्रेंड फ्राइडे का आज दिन है। तो फ्रेंड चलिए मैं फ्लिपकार्ट वाले आईडी में चले जाता हूँ। तो फ्रेंड मैं बैक आया तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ, नमस्कार उड़ीसा, वी आर बैक टू डिलीवरिंग एवरीथिंग यू नीड। तो फ्रेंड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आप सारा चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं अभी फ्लिपकार्ट में, सारा चीज़ का वहाँ पे डिलीवरी स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड चलिए मैं मोबाइल वाले सेक्शन में चला जाता हूँ। तो फ्रेंड मैं इस ये दिखाने से पहले आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, सारे मोबाइल का अभी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुआ उड़ीसा में, क्योंकि फ्रेंड अभी सेलर पर निर्भर है वे डिलीवरी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं यहाँ पोको X2 वाले सेक्शन में गया, तो फ्रेंड यहाँ देख लीजिए ये भी डिलीवरी के लिए अवेलेबल है उड़ीसा में। तो फ्रेंड ये मोबाइल कब डिलीवरी करेगा, तो फ्रेंड ये देखिए आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, ये 23 अप्रैल तक ये आपको उड़ीसा में डिलीवरी मिल जाएगा। तो फ्रेंड आप जैसा कि पिन कोड देख पा रहे हैं ये भुवनेश्वर का पिन कोड है। तो चलिए फ्रेंड अब मैं दूसरे फ़ोन में जाके आप लोग को दिखा देता हूँ कौन कौन सा फ़ोन अवेलेबल है उड़ीसा में डिलीवरी के लिए। तो फ्रेंड मैं Realme 6 में गया, तो फ्रेंड इसमें से कोई भी फ़ोन डिलीवरी के लिए अवेलेबल नहीं है उड़ीसा में। तो फ्रेंड मैं बैक आया तो फ्रेंड मैं आगे चलता हूँ, तो फ्रेंड यहाँ देख लीजिए iQOO 3 ये भी फ्रेंड डिलीवरी के लिए अवेलेबल है उड़ीसा में। तो फ्रेंड फिर से मैं बैक आया तो फ्रेंड देख लीजिए Redmi Note 7 Pro ये भी डिलीवरी के लिए अवेलेबल नहीं है उड़ीसा में। तो फ्रेंड मैं फिर से नीचे आता हूँ, तो फ्रेंड अब मैं दूसरे फ़ोन में चला जाता हूँ, तो फ्रेंड ये देख लीजिए Vivo S1 Pro भी ये डिलीवरी के लिए अवेलेबल नहीं है उड़ीसा में। तो फ्रेंड मैं Galaxy A51 में गया, तो फ्रेंड ये देख लीजिए ये जो ब्लैक वाला कलर है ये डिलीवरी के लिए अवेलेबल है उड़ीसा में, लेकिन दूसरे जो कलर है वे डिलीवरी के लिए अवेलेबल नहीं है उड़ीसा में, आप साफ साफ अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे Galaxy A71 में मैं जाता हूँ, ये फ्रेंड ये देखिए दोनों जो कलर का फ़ोन आता है ये दोनों डिलीवरी के लिए अवेलेबल है उड़ीसा में। तो चलिए फ्रेंड मैं ऑर्डर करके देखता हूँ ये ऑर्डर होता है क्या नहीं होता है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये फ्रेंड देख लीजिए यहाँ पे इसकी पेन कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया, तो फ्रेंड मैंने भी ऑप्शन ये दबा दिया। तो फ्रेंड आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रेंड चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो फ्रेंड आप देख लीजिए यहाँ पे COD का ऑप्शन नहीं आ रहा है, शायद आपके मोबाइल में आ सकता है या फिर फ्रेंड अभी COD अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा फ्लिपकार्ट में। तो फ्रेंड यहाँ देख लीजिए यहाँ पे आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या फिर UPI के थ्रू।